आसिफ शेख, कुशल मल्ला, गुलशन झा और रोहित पौडेल ने जो गजब इनिंग खेली आज, आप कह सकते हो कि भाई आज जो है वो स्टार्टिंग के 10 ओवरों में ना गुस्सा निकाला जा रहा था नेदरलैंड के ऊपर। मतलब जो बड़े बड़े शॉट लग रहे थे, जो बड़े बड़े शॉट, बहुत गजब की जो इनिंग है यहाँ पे आसिफ शेख, कुशल मल्ला, रोहित पौडेल, गुलशन झा और कुशल भुरतेल की तरफ से खेली गई है। और आप कह सकते हो कि नेपाल क्रिकेट टीम की बैटिंग जो है ना वो आज बहुत उम्दा खेली है, बहुत अच्छे तरीके से आज जो है उसकी बैटिंग लाइनअप जो है नेपाल क्रिकेट टीम की खेली है। लेकिन आज थोड़ा सैडनेस यहाँ पे इस बात का है कि दीपेंद्र सिंह एरी जो है वो नहीं चले। मतलब दीपेंद्र सिंह एरी जो टाइगर थे वो फाइनल मैचेस में आउट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों मैं कुछ कुछ चीजें मैं बात करूंगा आपसे एम्पायर को लेके, कि एम्पायर इतना बड़ा बेईमान है कि नेपाल क्रिकेट टीम के बैट्समैन को ना ये मतलब हाफ सेंचुरी सेंचुरी मारते हुए नहीं देखना चाहते। मैं आपको आगे बताऊंगा क्यों। अभी यहाँ पे पहले बात कर लेता हूँ कुशल भुरतेल की। देखो कुशल भुरतेल यहाँ पे स्टार्टिंग में आता है, वो अच्छे खासे रन मारते हैं, 10 बॉल में 20 रन बना के जो है वो आउट हो जाते हैं। लेकिन फिर बाद में यहाँ पे वो अब क्या कह सकते हो फाइनल में कुशल भुरतेल, तो भाई ऐसा ही है कि वो अगर खेल गया बॉल 40 बॉल तो सेंचुरी 70-80 रन मार देता है। अगर वो नहीं खेल पाए कम बॉलों में ही वो 10-20-25 रन मार के वो चले जाते हैं। लेकिन फिर रोहित पौडेल कप्तान की तरफ से भी आज यहाँ पे अच्छा जो है पार्टनरशिप देखने को मिला आसिफ शेख के साथ। मतलब आसिफ शेख जो 47 रन पे आउट हुए हैं, और वो भी आउट नहीं थे आसिफ शेख, उसको एम्पायर ने आउट दिया। मैं आपको आगे बताऊंगा एम्पायर ने कैसे यहाँ पे बेईमानी की आसिफ शेख के ऊपर, ठीक है। तो आसिफ शेख ने 47 रन मारे, रोहित पौडेल जो है उन्होंने 25 रन मारे, और दोनों ने मिलकर जो है 50+ रन की पार्टनरशिप जो है वो लगाई, जो कि आप कह सकते हो एक बहुत अच्छा पार्टनरशिप जो है नेपाल क्रिकेट के लिए लगा है आज के मैचेस में। और बैटिंग लाइनअप की बात करूँ तो आज टॉप ऑर्डर बैट्समैन ने वो जिम्मेदारी उठाई कि जो है रन मारूंगा। 10 ओवर के आसपास जो है रन, आपको मैं कहूँ तो 100 के आसपास में जो है रन चली गई थी। तो ये एक अच्छा स्कोर जो था नेपाल का बन गया। हालांकि जो लास्ट में जो विकेट गिरने लगी ना उसके वजह से नेपाल का जो स्कोर है 184 पे जाके रुक गया। नहीं तो अगर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर जिस तरीके से स्टार्टिंग के 10 ओवरों में खेला गया तो उसी तरीके से अगर लास्ट के 10 ओवरों में खेला जाता है, फिर लास्ट के 5 ओवरों में खेला जाता है, तो नेपाल क्रिकेट टीम 220 या 240 का टारगेट जो है नेदरलैंड को आराम से दे रही थी। लेकिन वही ये बात एम्पायर ने बेईमानी की जिसके वजह से ऐसा हुआ, और एम्पायर ने बेईमानी की मैं आपको आगे बताता हूँ कैसे। फिर यहाँ पे बात कर लूँ मैं तो गुलशन झा ने, उन्होंने भी इंटेंट दिखाया, 34 रन मारे उन्होंने 25 बॉल में, और उसके साथ साथ यहाँ पे जो कुशल मल्ला 26 रन। लेकिन कुशल मल्ला का जो वो 3 छक्के, भगवान कसम कह रहा हूँ दोस्तों, मुझे ना मैं पागल हो गया था। एक छक्का मारा तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे एक्साइटमेंट बढ़ा, दूसरा छक्का मारा तो मैं थोड़ा पागल की तरह चिल्लाया, लेकिन तीसरा छक्का जब मारा ना तो मैं भाई यहाँ पे पूरा पागल की तरह नाचने लगा कि भाई आज कुशल मल्ला जो है वो 6 बॉल पे 6 छक्का जो है मार ही देगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 17वें ओवर के पहले बॉल पे जो कुशल मल्ला आउट हो जाते हैं, और बहुत बैड लक होता है वहाँ पे कुशल मल्ला का, और आप कह सकते हो कि वो बैड लक की वजह से जो कुशल मल्ला है वहाँ पे आउट होते हैं। लेकिन फिर जो है ना यहाँ पे जो लोअर ऑर्डर बैट्समैन है करण केसी, वो मतलब वो भी अच्छे रन मारते हैं, और सोमपाल कामी, प्रतीश जीसी जो है स्कोर को 184 तक पहुँचाते हैं। अभी मैं थोड़ा एम्पायर के ऊपर बात कर लेता हूँ। एम्पायर वालों ने आज क्या किया पता है आपको दोस्तों? आसिफ शेख जब आउट हुए तो उसके बैट के ना नीचे इनसाइड एज लगा हुआ था, इनसाइड एज में अंपायर ने आसिफ शेख को आउट दिया है। इसलिए मैं कहता हूं कि नेपाल क्रिकेट टीम के लिए DRS क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों DRS जो है यहां पे नेपाल क्रिकेट टीम को चाहिए, किस लिए जो DRS है नेपाल क्रिकेट टीम को चाहिए, मैं क्यों DRS की मांग करते रहे तो हमेशा मुझे पता है। और मैं इसीलिए आपको कहता हूं कि ICC को DRS चाहिए। आसिफ शेख आउट नहीं थे, 47 रन बना के आसिफ शेख थे, हाफ सेंचुरी पूरी हो जाती, आसिफ शेख अगर लास्ट तक टिके रहते 200+ का स्कोर होता। लेकिन एम्पायर वाले को तो बेईमानी करनी थी, एम्पायर वाले को तो चाहिए था कि भाई मुझे लॉलीपॉप दो, बेईमानी करना है मुझे, मुझे यहाँ पे चॉकलेट खिलाओ, मुझे बिरयानी खिलाओ। मतलब गुस्सा ही आता है यार ऐसे एम्पायरों के ऊपर जो बेईमानी करते हैं। और हमेशा मैंने देखा है कि एम्पायर जो है नेपाल के अगेंस्ट ही फैसला देते हैं, चाहे आप कितना भी अच्छा एम्पायर ले आओ, समझ नहीं आता क्या दुश्मनी है भाई नेपाल से आप लोगों को, एम्पायर वालों को मैं कह रहा हूँ क्या दुश्मनी है भाई। इतने अच्छे प्लेयर्स हैं, इतने अच्छे रन मारते हैं, पूरा ईमानदार है, खुद आउट होने से प्लेयर खुद चले जाते हैं, आपको बोलने का मौका नहीं देते हैं, और फिर भी जब ये लोग आउट नहीं होते तो आप इतने जबरदस्ती आउट देते हो। सच्ची कह रहा हूँ ICC को ना ऐसे अंपायर को बैन करना चाहिए। और इस तरह की अगर बेईमानी क्रिकेट में होती रहे ना दोस्तों, तो मैं कह रहा हूँ ना भाई बहुत सारे लोगों को ना विश्वास उठ जाएगा एम्पायरिंग से, ऑन फील्ड जो एम्पायर है उससे। DRS अभी के टाइम में ना नेपाल में इंट्रोड्यूस करना चाहिए। और मैं तो बहुत मतलब ICC से विनती कर रहा हूँ, यहाँ पे टैग भी करता हूँ मैं ट्विटर के ऊपर कि भाई DRS कर दो नेपाल में इंट्रोड्यूस, कर दो इंट्रोड्यूस, लेकिन फिर भी नहीं करते, मैं क्या बताऊँ। खैर जो भी है, बैटिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, टॉप ऑर्डर बैट्समैन ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया 2024 वर्ल्ड कप के लिए। आप कह सकते हो कि जो टॉप ऑर्डर है वो तैयार हो रहे हैं। तो दोस्तों इसके बारे में जो है आप क्या क्या सोच रहे हैं नीचे कमेंट करें, मैं जनरली जानना चाहूँगा आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो। आसिफ शेख की बैटिंग, रोहित पौडेल की बैटिंग मतलब गजब का था, फिर
गुलशन झा की बैटिंग मतलब आउटस्टैंडिंग था। इसके बारे में आप क्या सोचते हो नीचे कमेंट करो, मैं जनरली जानना चाहता हूँ, दिल से जानना चाहता हूँ इसके बारे में आप क्या सोचते हो। कमेंट करें दोस्तों और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। यूट्यूब पे से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यहाँ पे, और फेसबुक पे जाके मुझे फॉलो कर लो।